ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोपहर को मटहानी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। दड़ोही में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर SP बंसल व कुल सचिव राकेश कुमार शर्मा ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण के साथ किया, तो वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ खुला मंच, विद्यार्थी जलपान व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया। हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसके अलावा लमड़ू को उप तहसील का दर्जा मिलेगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में की। उन्होंने कहा कि जिला में 135 करोड़ रुपए के लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए खुशी हो रही है। ये विकास की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के मटहानी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP बंसल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि केंद्र राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन एवं इसके विकास में सरकार हर संभव बजट देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय इस उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए शिलान्यास के साथ ही उस कार्य को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे कम बोलते हैं लेकिन काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि शोर मचाना कांग्रेस का काम है, भाजपा विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने चारों सीटें तो जीती हैं, साथ में प्रदेश की 68 की 68 विधानसभा सीटों पर भी लीड बनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बोलती रही कि अब धर्मशाला और पच्छाद में सबक सिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस धर्मशाला में जमानत गवा बैठी और पच्छाद में भी कांग्रेस हार गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत खस्ता कर दी। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से आग्रह किया कि वे प्रदेश द्वारा केंद्र को भेजे प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में मदद करें। तुम बोलते तो हमको भी फिर बोलना पड़ता है, हम बोल लेंगे तो फिर बोलेंगे या बोलते हैं, तो इसलिए मत बोलिए भाई, अच्छा रहेगा मत बोलिए। आज हमारे सौभाग्य की बात है, हिमाचल छोटा सा प्रदेश, छोटा प्रदेश, लेकिन हिमाचल एक मामले में नहीं अनेक मामले में जो है बड़े बड़े राज्यों से आगे उनका मार्गदर्शन कर रहा है। और राजनीतिक परिदृश्य में अब आप देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, अनुराग ठाकुर जी वहां केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश छोटा है, अमित शाह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सम्मानीय अध्यक्ष हैं, गृहमंत्री हैं, लेकिन हिमाचल से जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, आशीर्वाद। ऐसा सम्मान, मुझे सम्मान, इस तरह का सम्मान मैं कह सकता हूं कि आज तक हिमाचल प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त नहीं, जो आज आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मिला। मैं आकर के कहा था कि यहां पर हम आपको सब तहसील देंगे, लेकिन वो जाते जाते कहां छूट गया उनसे, वो फरमान कह तो रखी उनने, और इंतजाम तो ये किया जा रहा था कि भाजपा की सीट यहां पर ना आए, यहां से उनका उनको लाभ मिले, लेकिन वो सारा संभव उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन लमड़ू में मैं देख रहा था कि 8 पटवार सर्कल, और जिसमें संभावना ये भी लग रही कि 2 पटवार सर्कल और भी उसमें बन सकते हैं, कुछ पटवार सर्कल बहुत बड़े भी हैं, तो उन सारी चीजों को अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बात ठीक है, लेकिन दूरी के हिसाब से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी ने बहुत विनम्र आग्रह किया कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है करने के सिवाय।
तो मैं इस साथ चिल्लामन की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, इस लंप इसको आप बना करके दे देंगे। वाइस चांसलर महोदय से पूछा मैंने, कहा भी आपने भवन कैसे बना दी बिना पैसे के? तो उन्होंने कहा कि ये तो अलग तरह का पैसा था, यानी कि इनका अभिप्राय ये था कि सरकार का पैसा, प्रदेश सरकार का पैसा दिया गया। तो मैं आपके बीच में बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ कि अभी हमारी हमारी बजट की प्रक्रिया आने वाले समय की जो है बजट सेशन के लिए शुरू हो रही है, लेकिन फिलहाल इस कैंपस के विभिन्न जो है रेकरिंग ग्रांट के रूप में मैं 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने तकनीकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवन का लोकार्पण सीएम जयराम ठाकुर के हाथों से होने से इस विश्वविद्यालय के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार द्वारा अनदेखी विकास कार्यों की लिस्ट तैयार कर उन्हें आगामी 2 साल में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए बचाया, जो कि पहले बिचौलिए खा जाते थे। सरकार ने 37 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलवाए और सब्सिडी का पैसा सीधा खातों में आना शुरू हो गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से आग्रह किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि युवाओं को एक्सपोजर और प्रेरणा के लिए बड़ी कंपनी से बात की जाए, इसके लिए उनका पूरा सहयोग रहेगा। आप कोई कंपनी तय कीजिए, मैं 2-4 कंपनियों से बात करता हूं, हम अपने यहां पर इनोवेशन और इनक्यूबेशन हब बनाएंगे ताकि हमारे यहां से भी यंग एंटरप्रेन्योर्स निकलकर पूरी दुनिया भर में हमारा नाम रखें। इसमें मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। बड़ी से बड़ी कंपनी को पकड़ेंगे और आपके पास लेकर आएंगे। इस एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम आने वाले समय में जाना जाए कि हमारे NIT IIIT से आगे भी कुछ निकले तो हमारा HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहां पर आकर हमारे यहां के विद्यार्थियों से आगे निकले। हम चुनाव ये चैलेंज होना चाहिए आपका NIT और IIIT को लेकर, IIT को लेकर भी। जब तक ये प्रतिस्पर्धा, जब तक ये कंपटीशन हम अपने बीच में पैदा नहीं करते, तब तक हम दुनिया के कंपटीशन से कैसे लड़ पाएंगे? और हमें बच्चों का संरक्षण नहीं करना, हमें खुला खेलने देना चाहिए। ये जो 5 वर्ष हमीरपुर जिला को अनदेखी कांग्रेस के समय में हुई, आपको याद होगा पिछले वर्ष जब आप हमीर उत्सव में आए थे, एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग भी हमारी उस समय की बन रही थी जो 5 साल कांग्रेस ने नहीं चलने दी, उसका उद्घाटन भी आपने किया। और यह केवल एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा होता गया कि सरकार बदली और वैसे ही हमीरपुर का भाग्य बदलना शुरू हो जाता था। मानो ऐसा लगता था विकास पर रोक लग जाती थी, विकास रुक जाता था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप कृपया करके विभाग से एक सूची बनवाइए कि कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका भाजपा के शासनकाल में शिलान्यास किया गया, बजट में प्रावधान किया गया था, 5 वर्षों में वो कांग्रेस के नहीं बने। आप सुनिश्चित करवाइए कि अगले 2 वर्षों के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे होकर जनता को समर्पित कर दिए जाए। जनसभा को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने संबोधित करते हुए जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई लोकहित की योजनाओं की खूब तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री से शहर के बीच अधूरी पड़ी पार्किंग का निर्माण शुरू करने और हमीरपुर बस स्टैंड के काम को शीघ्र आरम्भ करने की मांग की है। उन्होंने लम्बड़ों में उप तहसील खोलने की भी मांग की।